अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फुरकान नसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देश फुरकान। दोस्तों उम्मीद करता हूं सब लोग खैर से होंगे, खुश होंगे, फिट होंगे अल्लाह ताला की करम से। आज की मज़ेदार वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी से। आप भी कहते होंगे अगर मैंने ये पटका शुरू क्यों जो है पहना हुआ त्यार से क्यों हूँ, तो मैं जा रहा हूँ घर की तरफ फार्म से। जैसे ईद गुजरी है, गुजरने के बाद जी मैनेज कर ली थी बाइक चेंज भाई के साथ, तो उनसे मैंने जो है और बाइक ली थी। जो हमारी पटारो थी वो बेचारी चली गई थी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेता। आज की मज़ेदार वीडियो शुरू होने वाली है हमारी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने की है बाइक चेंज और ईद जब गुजरी तो मैंने भाई के साथ बाइक चेंज की। जो हमारी पिछली पटारो थी ना वो बेचारी अब जा रही है। तो आपको दिखाता हूँ जो अब मैंने बाइक ली है भाई से। ये बाइक ली है मैंने भाई से, ठीक है। ये CD70 है, 2019 मॉडल है। और वो जो पटारो है वो जा रही है कहीं पे, तो वो भी आपको बताते हैं। वो जो हमारी पटारो है ना वो हमसे परचेज़ की है उस्मान भाई ने जो है वो हमसे ली है। तो उनकी जो है ख़राब हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि यार ये हमें दे दो। तो उस्मान भाई से मेरा सौदा बन चुका है इस टाइम, तो वो दे रहे हैं हम उस्मान भाई को। तो उसी सिलसिले में हम आज जाने वाले हैं, कहाँ पर जाएँगे, बस स्टॉप पर, और यहाँ से जो बसें वगैरह चलती है ना वहाँ पे जाएंगे हम। वहाँ पे चल के उनसे हाल वाल करते हैं और उनसे हाल वाल करके ये देखते हैं कि भाई अगर हमने वहाँ पे बाइक भिजवानी हो तो ये कितने पैसे जो है हमसे लेंगे। और ट्रेन पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे, चल के स्टेशन पे जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो हमसे कितने पैसे लेंगे वहाँ पर बाइक भिजवाने के और कितना टाइम लगेगा। तो चलें चलते हैं बगैर टाइम ज़्यादा किए, वीडियो को आगे की तरफ लेके चलते हैं और चलते हैं हम इधर से। इस टाइम मैं मौजूद हूँ फार्म पे, आप पीछे देख सकते हैं। तो इस टाइम चलते हैं फार्म से, निकलते हैं और चलते हैं नए अड्डे पे, क्योंकि नए अड्डा हमें रास्ते में पड़ता है। वहाँ से होते हुए जाएँगे कि उनसे हाल वाल लेते हैं कि यार अगर कोई टाइम हमने बाइक भिजवानी हो ना तो कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे और सेफली जा सकती है। तो बगैर टाइम ज़्यादा किए वीडियो को आगे की तरफ देख जाओ। जी क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो? पीछे जा रहा हूँ बर्फ़ लेके। ये क्या अपने एक ले जाते हो अपने लिए, बाकी शेख और टीलू को तरसाते हो तुम, शर्म नहीं आती? यार एक पूरे हो जाते हैं। हो जाते हैं, अच्छा इकट्ठे गुजारा करते हो? हाँ एक ही गुजारा। ठीक है ओके। कौन क्या ले भेजा यार, ये सदा बाहर का अड्डा कहाँ? सदा बाहर का वो सामने वो लिखा हुआ है। ठीक है मेहरबान। ये चाचा जी बड़े पुराने वाकई हैं मेरे, और ये जी फोन पे बिजी बैठे हुए हैं, फोन पे बात करते हैं, इनसे आंदोलन करते हैं। यार उनसे मैंने बात की है, वो कह रहे थे कि हम भाई आपसे ना 2000 रुपये लेंगे और 2000 के साथ NOC लेंगे, आपको जो है पुलिस स्टेशन से बनवाना पड़ेगा। वो NOC बनवाएंगे ताकि उससे ये कंफर्म होगा कि बाइक जो है अपनी है, चोरी की नहीं है। तो पहले हमें जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। तो आज तो टाइम नहीं है, कल जाएँगे इंशाल्लाह पुलिस स्टेशन, वहाँ से NOC बनवाएँगे। NOC बनवा के फिर जो है इनके पास आएँगे, इनको 2000 रुपये देंगे और बाइक इनको दे देंगे। हमारी पटारों को जो पटारों थी मैंने आपको बताई है कि वो उस्मान भाई को दे रहे हैं,
तो वो पटारू हमने दे देनी है यहाँ पे, फिर इसको एनओसी बनवा के। तो अभी चलते हैं, फिलहाल घर गर्मी अरूज पे है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ बस वाले अड्डे पे, आपको प्यारी प्यारी बसें दिखाएं हम। तो ये न्यू अड्डा है, मतलब कि हमारा सादिकाबाद का पहले जो था वो अंदर की तरफ था, ये अभी बाहर बनाया है इन्होंने। काफ़ी मतलब के वसी है, खुला है, शहर से रश इन्होंने बिल्कुल कम करवा दिया, इनकी मेहरबानी है जी ये। तो अभी चलते हैं घर, और घर चलते हैं, घर चल के देखते हैं क्या सीन है, फिर हाल वाल करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी दोस्तों, तो सादिकाबाद से वापस आ गए थे और गर्मी सर्जी लेवल की थी, बहुत ही लेवल की जो गर्मी होती है ना वो है यहाँ पे, और ये 3-4 दिनों से कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है गर्मी। तो सर जी मैंने आते साथ ही कमीज़ उतार दी और घर में आके ना बैठक में आके कमीज़ फिर उतार दिए, और ये जो है मैंने कर दी है ऑन। तो गर्मी को थोड़ा कम करने के लिए इस भाई का सहारा लेना भी ज़रूरी था, तो इसको चला दिया। तो यार उन्होंने बोला था कि एनओसी बनवाना है साथ में, तो एनओसी भी बनवाएंगे इंशाल्लाह कल, और साथ में जो है 2000 रुपये वो मांग रहे थे कि ये जाके ना जहाँ पे इनका सदाबहार का टर्मिनल है कोयटा में, वहाँ पे जाके ये उतार देंगे। कोयटा का टर्मिनल जो है उनके घर के पास ही, उस्मान भाई के। तो वो चलें कल की डेट में जो है इनका एनओसी बनवाते हैं, एनओसी बनवा के फिर इसको करेंगे रवाना इंशाल्लाह हम कोयटा, तो ये सेफली जो है उस्मान भाई के पास पहुँच जाएगी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। तो मैंने आपको बताया था कि इस बाबे को मैं पहले से जानता हूँ, मैंने कहीं देखा है। तो बचपन में मैं काफ़ी दफ़ा जाऊँ ना बाय रोड गया हूँ कोई टाइम के साथ, बस का सफ़र किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता था बस का सफ़र करना। तो मैं इनके साथ जो है सफ़र किया है काफ़ी दफ़ा, ये पहले मुंशी हुआ करते थे वहाँ पर, तो इस वहाँ से मुझे याद आया कि ये बाबा वही हैं। तो चलें अभी सो जाते हैं और आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँची रहे। तो दुआ में रखिए, आप मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।